एक्शन ठीक है। तो अभी हम लोग आज कह रहे हैं डिस्कनेक्ट हेयर कट, तो फ्रंट से हमारे बाल काफी पतले हैं तो फ्रंट पे एक अच्छा वॉल्यूम देने वाले हैं और लेंथ हम लोग ज्यादा शॉर्ट नहीं करने वाले। तो डिस्कनेक्ट हेयर कट में क्या करना है, हमको फ्रंट के बाल इस वाले हेयर कट में आगे काटने और बैक के बाल पीछे। तो सबसे पहले हम लोग बेस बना लेंगे, हमेशा पूछ के कितना हमको लेंथ शॉर्ट करना है। तो सबसे पहले बेस लाइन, जीरो डिग्री, फिंगर स्ट्रेट, हेड का पोजिशन थोड़ा सा नीचे की तरफ, तो हमारा बेस तैयार हो गया। उसके बाद में सेम फ्रंट से हाफ फेदर, तो फ्रंट पे मुझे थोड़ा बाउंसी लुक देना तो आगे से मैं थोड़ा शॉर्ट करूंगा। ठीक है, तो फ्रंट से जीरो डिग्री हाफ फेदर नोज के सामने, और इसको मर्ज कर देना इसके अंदर। तो मेरा स्टेप वन स्टेप टू जो मैं सारे कट के अंदर करता हूँ वो तैयार कर लिया मैंने। बट डिस्कनेक्ट है इसलिए मैंने पीछे की लेंथ से इसको शॉर्ट रखा, क्योंकि मैं मिलाने वाला नहीं पीछे से इसको। अगर मैं डिस्कनेक्ट नहीं करता तो इसको थोड़ा लंबा रखता, बिकॉज बैक की लेंथ जो है मेरी मैंने लंबी रखी है। तो मेरा फ्रंट का हाफ फेदर रेडी हो गया। ठीक है, अब उसके बाद इसके अंदर मुझे लुक देना है, तो सेम मैंने सेक्शन लिया और साइड में गया, और इसको मुझे काटना है 45 डिग्री और ट्विस्ट करना है और वापस नोज के सामने। तो मुझे आगे और वॉल्यूम चाहिए बिकॉज ऑफ लेयर है, तो घुमाया ट्विस्ट 45 एंगल और मेरी गाइड लाइन, और इसको काट देंगे। तो इसमें क्या क्रिएट होगा, मेरे फ्रंट से लेयर के साथ में स्टेप्स भी आ गए, तो फ्रंट का मेरा बहुत अच्छा वॉल्यूम आ जाएगा और बैक से लेंथ हम लोग मेंटेन रखेंगे। तो सेम पोजीशन, ये वाला साइड जब काटेंगे इधर खड़े रहेंगे और पहले लॉक करेंगे ट्विस्ट और खींच के नोज के सामने, एंगल 45, ये मेरा 90 है, ये मेरा 0 है, बीच में रखना है, क्योंकि ज़्यादा 90 करेंगे तो बहुत ज़्यादा स्टेप्स हो जाएंगे। हाँ, तो जस्ट हमको नीचे नीचे बॉटम्स पे स्टेप चाहिए ताकि फ्रंट के बालों में लेयरिंग में मेरा वॉल्यूम क्रिएट हो जाए। तो गाइडलाइन लेता जा रहा हूँ और साइड में छोड़ता जा रहा हूँ, सेम सेक्शन अपोजिट साइड लॉक ट्विस्ट और खींच के नोज लेवल, ताकि मेरी लेंथ मेंटेन रहे और गाइडलाइन जैसे आएगा काट देंगे। तो मेरा वन साइड कंप्लीट, अब जैसे मैं इसको देखूंगा तो इसके अंदर मेरे बाउंसी स्टेप्स भी आने स्टार्ट हो गए फेदर के साथ साथ। तो फ्रंट पे एक बहुत अच्छा वॉल्यूम आने वाला, सेम ये साइड जब करेंगे अपोजिट साइड आने वाले। इसमें क्या होता है, आपको इजी हो जाएगा कोम करने के लिए और काटने के लिए। लॉक किया, डन, और 45 एंगल, और मेरा बाल घूम के ये वाला गाइडलाइन इधर आ जाएगा ये साइड। जैसे गाइडलाइन मेरा फिंगर के अंदर गया काटना स्टार्ट किया, और एक ही चॉक में काटना है, हाफ हाफ नहीं डिवाइड। अगर आपको लग रहा है पतला तो एक साथ ले लो, नहीं तो डिवाइड करो, बट जितने थोड़े सेक्शन में काटेंगे उतना लुक अच्छा आएगा। तो कभी भी एक साथ मत काटो, एटलीस्ट 3-4 सेक्शन होने चाहिए ताकि फ्रंट का जो लुक है वो अच्छा आ जाए। और जैसे मेरा गाइडलाइन गया फिंगर के अंदर काट देंगे सेक्शन और खींच के नोज के सामने, क्योंकि मुझे लेंथ भी मेंटेन करना है। तो देखो ये मेरी गाइडलाइन, ये गाइडलाइन, बीच का जो एक्स्ट्रा है बस वो निकालना है। तो मेरा फ्रंट वाला पार्ट डन हो गया और इसमें काफ़ी अच्छा मेरा बाउंसी लुक आ गया फेदर के साथ साथ। अब सेम मुझे फॉलो करना है बैक लेंथ, अब ये मुझे मेंटेन करना है। तो इसमें क्या करूँगा मैं, लॉन्ग लेयर। तो लॉन्ग लेयर हम लोग कैसे करते हैं, वी सेक्शन, दो कट हम लोगों ने मिक्स कर दिया इसके अंदर, क्योंकि मैंने फ्रंट से वॉल्यूम दे दिया और मुझे बाल छोटे नहीं करने, तो इसका गाइडलाइन मैं इस वी से बनाऊंगा। तो फर्स्ट वी सेक्शन, कितना काटना है,
जितना आपको स्टेप्स चाहिए, सपोज अगर मुझे यहाँ पे चाहिए स्टेप्स मेरा, तो लेंथ मेरी यहाँ होनी चाहिए, होनी चाहिए तो आ रहा, तो इतना मुझे लेंथ मेंटेन करना है। तो लिया स्ट्रेट और मैंने एक गाइडलाइन डिसाइड करी एंड कट किया, कौन सा एंगल पे 90 डिग्री, और उसके बाद पीछे के बाद सब 180। तो पहला 90, ये मेरा गाइडलाइन बन गया। अब जैसे मैंने छोड़ा, मेरा स्टेप जो है अभी यहाँ से स्टार्ट होगा, सेव डिवाइड हाफ ऑफ, दो सेक्शन में खत्म। हाँ, पूरा बांध लिया, घूम किया, और जो मैंने वी सेक्शन काटा है वो मेरी गाइडलाइन आ जाएगी आगे से। हाँ, होम होल्ड और खींच के वी में, तो मेरा कौन सा एंगल हो जाएगा 180, ताकि मेरी लेंथ मेंटेन हो जाए, और मेरा आगे वाला गाइडलाइन बस मार्च करता हूँ। अब इसको क्या करना है, छोड़ना नहीं, अब इसको क्या करेंगे, इसका मास्टर चेक भी करा देंगे। तो सीधा लेंगे आगे की तरफ, आगे की तरफ, और जो हम लोग करते हैं मास्टर चेकिंग, उसमें जो ये पतले पतले आ रहे हैं ये निकाल दें, तो ये मेरा चेकिंग भी हो गया साथ साथ, कितना अच्छा लुक आ गया। तो ये मेरा कितना अच्छा वॉल्यूम आ गया और मेरी लेंथ मेंटेन है। सेम अपोजिट साइड, आगे के बाद आगे, तो सीधा मैंने वी सेक्शन लिया और दो सेक्शन में डिवाइड, कोम करेंगे और खींच के 180 डिग्री ताकि मेरा लेंथ मेंटेन हो, तो कोम करके ये आगे की तरफ, होल्ड टर्न, और जैसे मेरा गाइडलाइन आया काट देंगे। और इसका चेकिंग भी साथ साथ, तुमको मास्टर चेकिंग की जरूरत नहीं है, हाथों हाथ चेक कर रहा हूँ उसको, डन ब्लोड्राई करेंगे, डन लिया, एंड जो मेरा पतला पतला बाल है उसको जस्ट निकाल दो, ठीक है। आप क्लाइंट चाहे साइड में रखे, फ्रंट में रखे, किधर भी रख सकते हैं। फ्रंट से मेरे कितने पतले बाल थे, पूरा वॉल्यूम आ गया, और बिना ब्लो ड्राई के मेरा लुक दिख रहा है। इसमें स्पायरल कर सकते हैं आप, इंटर्न कर सकते हैं, जो चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।